हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 1 बज रहे हैं, देखो इसी वॉल पे दिखाती हूँ मैं आपको हमेशा। तो ठीक 1 बज रहे हैं, सिर्फ 1-2 मिनट का फ़र्क है। और यहाँ पे चावल चढ़े हुए हैं। एक्चुअली मैं अपना फ़ोन भी लेने आई थी और देखने आई थी सीटी आ रही है कि नहीं आ रही, तो अभी सीटी नहीं आ रही है। और आज हमने बनाया है आलू मूली की थिचोड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आलू मूली की थिचोड़ी। ये मैंने नहीं बनाई है, आज मम्मी ने बनाई है आलू मूली की थिचोड़ी। और मुझे आलू मूली की थिचोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको देख के मुझे एक चीज़ याद आ रही है, पता है क्या चीज़? नहीं, बात याद आ रही है कि कल मेरी छोटी सिस्टर से मेरी बात हुई थी, तो मुझे कह रही थी आजकल मेरा ना वो खाने का बहुत मन कर रहा है, आलू मूली की थिचोड़ी। तो लेकिन क्या होता है ना कि उसके घर में कोई खाता नहीं है, मेनली उसके हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो वो बोलती फिर वो नहीं खाते हैं इसलिए हम लोग बनाते नहीं हैं। और ऐसा होता भी है, जो चीज़ हमारे घर में बन रही है और एक जने को या फिर दो जने को चीज़ पसंद ना हो, तो हम लोग सोचते हैं यार फिर क्या बनाओ, छोड़ो रहने दो, एक जने के लिए या दो जनों के लिए क्या बनाओ। तो वो बोलती मेरे खाने का बहुत मन कर रहा है आजकल, तो इसे देख मुझे याद आया कि अगर वो यहाँ कहीं पास में होती तो मैं उसको बुला लेती कि आ जा खाने के लिए। तो ऐसा होता है, और ज़्यादातर लेडीज़ लोगों के साथ ही होता है, वो ही सोचती हैं कि मतलब अरे यार किसी को पसंद नहीं है तो चलो छोड़ो, नहीं बनाते हैं तो फिर वो नहीं खा पाएंगे इसलिए। तो जैसे कि हमारे घर मेरे पापा जो मेरे ससुर जी हैं उनको पुलाव पसंद नहीं है, तो हम लोग कभी भी सोचते हैं पुलाव बनाए फिर हम लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि फिर वो नहीं खाएंगे इसलिए। तो ये चीज़ होती है, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा वो हुआ, मैंने कहा अगर वो होती ना यहाँ पास में तो मैं उसको बुला के खा लेती वो, या फिर हम जैसे देते ना पड़ोस में देते हैं तो उसको भी देती। तो लेकिन अभी नहीं, कोई नहीं, तो हम कभी मम्मी के यहाँ जाएंगे बीच में तो फिर वहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सीटी नहीं आई है, मम्मी लोग धूप सेक रहे हैं और मेरे बाल अभी गीले हैं, सूखे भी हैं, तो उनको सुखाती हूँ, थोड़ा सा धूप में बैठती हूँ। वैसे इतना ठंडा नहीं लग रहा है, अंदर ठीक लग रहा है आज मुझे क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बाहर चलते हैं, ठीक है। और ये अभी तक हमने यूज़ नहीं करा, मम्मी ने इसको कल वॉश कर दिया है, लेकिन इसको ध्यान ही नहीं आ रहा कि इसमें रोटी रखनी है। ये इतना क्यूट सा लग रहा है ना कि इसमें रोटी रखने का मन नहीं कर रहा, लेकिन रखेंगे अब रात को जब रोटी बनाएंगे तो इसमें रखेंगे हम लोग, हॉट केस में इसको रख देंगे। चढ़ लेती हूँ और बाहर चलते हैं। आशी मम्मी सब बाहर बैठे हुए हैं धूप में और मेरे कपड़े वगैरह सब वॉश हो गए हैं। नमस्कार छोटों को मेरा सुभाषिश प्यार। और बच्चों कैसे हो आप लोग? बस हम भी धूप सेक रहे हैं बैठ के। हाँ, अभी नाश्ता पानी करा है, अब खाने तैयारी हो गई है। बोलो और बोलो और क्या बोले, बोल मामी जी से बोलो, मामी जी बोलो, मामी जी आराम, आंटी जी आराम बोल रही है, बता आंटी बोल रही है मम्मी की जगह। आज नहीं पता नहीं बहुत दिनों से हो रहा मम्मी का, ये हमारा कैंटी बोल रहा है, ये देखो ये बोल रहा मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, अरे मैं बोल, अरे अरे बाल खींच रहा कैंडू। और ये है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। एक्चुअली जो मैं आपने मेरे पहला क्लिप देखा है वो पहले दिन का था, ये नेक्स्ट डे का है। और उस दिन मैं अपना जो व्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, मतलब पता नहीं क्यों नहीं कर पाई हूँ, कभी हो जाता है मन नहीं करता है, मूड नहीं होता है, तो हम लोग मैं स्किप कर देती हूँ, तो वही हुआ है। और आज मैंने ये वाली बेडशीट फर्स्ट टाइम बिछाई है और ये इतनी प्यारी लग रही है ना, आप लोग खुद ही देख रहे हो बहुत सुंदर लग रही है। बस इसका जो एक माइनस पॉइंट है वो यही है कि ये वाइट कलर का इसका बेस है, अदरवाइज़ ये बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन मैंने कहा चलो वाइट है, अब यही सोच सोच के तो रखी हुई है, लेकिन मैं आज इसे बिछाई देती हूँ, कोई बात नहीं, तो वॉश कर देंगे, है ना, गंदी होगी तो वॉश कर देंगे। तो मैं इसको बिछा रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही है ये। टाइम हो गया है 1:15 का और
मशीन लगा रही थी, आप लोगों को शायद आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि मेरी बेडशीट वगैरह थी और इनकी जैकेट वगैरह थी, तो जैकेट जो होती है ना वो हाथ से इतना ढंग से धुल नहीं पाती है, तो फिर मैंने मशीन लगा दी आज, तो उसमें कपड़े धुल रहे हैं। यहाँ पे मैंने मक्की का आटा है, मक्की की रोटी बनाऊंगी मैं, क्योंकि आज हमने ना मतलब नाश्ता बहुत लाइट करा है, हमने पोहा बनाया था और पापा ने तो पोहा भी नहीं खाया, थोड़ा सा पोहा खाया, तो इसलिए फटाफट से मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर झोली जो है वो, तो ये आपको झोली बहुत कम लगती होगी जैसे मैं और टाइम बनाती हूँ, क्योंकि ये कल की झोली है, तो इसको दोबारा से मैंने छौंक दिया। और बोलते हैं ना अगर झोली को दोबारा, जैसे बासी झोली होती है, बासी मीन्स कि एक दिन पुरानी, उससे ज़्यादा तो हम लोग भी नहीं खाते हैं, तो उसको अगर छौंक कर मतलब खाओ तो टेस्टी लगती है। तो देखते हुए मुझे तो भूख नहीं लग रही है क्योंकि मैंने लेट खाया नाश्ता बहुत ज़्यादा, इसलिए तो यहाँ है। और यहाँ हरी सब्जी है, इधर झोली होगी, चावल बन के तैयार हो गए हैं, बस मुझे मक्की की रोटी बनानी है पापा के लिए, और क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी, और मम्मी जा रही है हल्दी हाथ में। तो कल हम लोग गए थे सुंदरकांड में, जो आपको मैंने शॉर्ट वीडियो भेजा है ना, तो वो मेरा मन कर रहा था चलो मम्मी को दिखाती हूँ आपको, तो शॉर्ट वीडियो बनाया था तो वो भेज दिया था। लेकिन आज यहाँ पर एक है मतलब लड़की की शादी है, तो शादी तो उनकी शायद कल है, कल की परसों है शादी, लेकिन आज वहाँ पर हल्दी हाथ हो रहा है, तो मम्मी को बुला रखा है, और शाम को हमारा खाना वहीं पर है, तो इसलिए भी कुछ मैंने बनाया नहीं है, जो बचा था उसी को छौंक दिया है, क्योंकि फिर खाना बचता रहता है बचता रहता है। झोली तो बिल्कुल मतलब अच्छी लगती है अगर छौंक दो दोबारा से, तो बस हम लोग अभी यही खाएंगे, मेरा पक्का पता नहीं, मैं नहीं खाऊंगी शायद, तो मम्मी वहाँ चले गई है, और आशी और सिया भी जिद कर रहे थे, मैंने कहा नहीं बेटा तुम घर पे रहो, तो वो घर पर ही, पापा हैं ये तो दिन में ही आएंगे, तो बस ये। और भी किचन मेरा पूरा फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, सबको अच्छे से क्लीन करूँगी मैं, एक बार पापा को खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर पूरा किचन में ढंग से क्लीन करूँगी। पापा को और बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और खाना खा लिया इन्होंने, और बर्तन मैंने अभी सबसे पहले बर्तन लगाऊंगी, क्योंकि जो नाश्ते के बर्तन थे हम लोगों के वो रखे हुए हैं, तो वो सब मैंने रख दिए हैं, क्योंकि बहुत आज तो कुछ ज़्यादा ही किचन फैला वाला सा लग रहा था मुझे, तो सारे के सारे बर्तन सबसे पहले मैं हटाऊँगी, क्योंकि जितने फिर बर्तन फैले हुए दिखेंगे ना उतना अजीब सा अलझड़ सा लगता है, तो सारे जितने भी मुझे सामने चाहिए बर्तन सिर्फ उतने ही रखे हैं, बाकी जितने फ्रिज के मतलब के फ्रिज में रख दिए हैं, और बाकी सब बर्तन लगा दिए हैं मैंने। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन करूँगी, गैस स्टोव को क्लीन करूँगी, और उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी, जब सारा क्लीन हो जाएगा किचन उसके बाद। तो किचन मैंने क्लीन कर दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो रखे थे कल का, कुछ ऐसे झोली वगैरह हमने आपको बताया था वो था, मक्खन वगैरह मैंने निकाला था तो वो था, उसके डोंगे काफ़ी बर्तन हो रखे थे, तो सारे के सारे मैंने, और मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया है। इधर बर्तन रखे हुए हैं जो मुझे धोने हैं, और अभी 2:15 बज गए हैं, तो मम्मी तो खाना खा कर ही आएंगी, तो शायद अभी मम्मी खाना खा रही होंगी, और आशी सिया और मतलब इनके दादू ने खाना खा लिया है, और बस अब मैं बर्तन धोऊंगी। मशीन मैंने थोड़ी देर बंद करी क्योंकि आवाज़ करते हैं वो, और बहुत देर से मैं घूम घूम सुन सुन के भी सब में दर्द होता है, तो अभी मैंने थोड़ा पानी भर रही हूँ उसमें, तो बंद करेगी, तब तक मैं सोच रही हूँ बर्तन धो देती हूँ, पानी भरता रहेगा और फटाफट काम भी हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगी छत में थोड़ा सा धूप सेकूँगी, क्योंकि मेरे जो स्लीव्स हैं ये हल्की सी गीली हो गई हैं, क्योंकि फुल स्लीव्स है ना, तो हल्का कितना भी इसको ऊपर कर लो ये गीली हो ही जाती हैं, तो बस फटाफट मैं बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े जो हैं वो देखने गई होंगी मशीन में, और मेरा कैमरा शायद ऑन रह गया होगा, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, तो ये ऐसे करते हैं। मतलब आशी का क्या है, आशी को तो बिस्किट और ये सब बहुत पसंद है, लेकिन सिया को मीठा इतना पसंद है,
बिल्कुल अपने पापा की तरह, मतलब इसको चीनी, ये गुड़ का शक्कर खा रही है इस टाइम पे, और इसे पता नहीं है कि कैमरा ऑन है। तो मैंने अभी जब एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है, और इतने मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख देख के, मतलब बच्चों का होता है ना क्यूटनेस से होती है, तो इसको पता ही नहीं कि कैमरा ऑन है कि नहीं, कैमरे में देख भी रही है लेकिन शायद वो सोच रही है ऐसे कैमरा ऐसे लगा हुआ है, और देखो शक्कर ले रही है अपने आप से, हॉर्लिक्स हो गया ये अपने आप से, बल्कि आशी को ये इतना पसंद नहीं है गुड़ वगैरह मीठा, अगर दे दिया तो वो खा लेती है, लेकिन सिया को देखो जरा ऊपर चढ़ चढ़ के ये ऐसे करते हैं, मुझे इतना क्यूट लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इनकी शैतानियाँ कुछ इस तरह से होती हैं शैतानियाँ इनकी। और मैं यहाँ पर धो रही हूँ अब बर्तन, तो बर्तन आप लगा लो सिर्फ दो या तीन लोगों ने खाना खाया है, वो भी बच्चों और सिर्फ पापा ने, और इतने बर्तन हो रखे थे। एक्चुअली सामान जो रहता है ना, कभी किसी में दाल रहती है, किसी में कुछ रहता है, तो वो सब जमा रहता है, तो सब हटाओ तो बर्तन दिखते ही दिखते हैं फिर तो। और मुझसे कोई एक कॉमेंट भी आया था, मुझे खरीद कर लिया परसों, एक कॉमेंट आया था किसी का कि आपकी कढ़ाई इतनी कैसे चमक रही है, मतलब इतनी साफ कैसे है। तो जो वो कढ़ाई जिसमें मैं बनाती हूँ आप लोगों को वीडियोस दिखाती हूँ मैं, एक्चुअली वो नई भी बोल सकते हैं उसको, पुरानी भी बोल सकते हैं, एक्चुअली उसको एक से डेढ़ साल हो चुका है कढ़ाई को, और जब हमने वो नई कढ़ाई ली थी तो उस टाइम से ही आज तक, और उस टाइम से मैं अपने आप ही उसको वॉश करती हूँ, मम्मी मैं अपने आप ही करते हैं, जब अनीता आंटी आती थी उस टाइम पर भी मैं खुद ही करती थी, क्योंकि क्या होता है ना कि जो पुरानी कढ़ाई है देखो टाइम के साथ हर चीज़ थोड़ा सा अलग अलग सी होने, गंदी सी मतलब होने लग जाती है, लेकिन ये कढ़ाई को मुझे ऐसा है कि मैं वीडियोज़ में दिखाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल साफ़ और सुथरी होनी चाहिए, तो इसको मम्मी और मैं शुरू से खुद ही क्लीन करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चमकती है वाली, एक तो नई है और ऊपर से इसको थोड़ा सा देखभाल भी करते हैं तो मतलब ठीक चमकी सी रहती है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह सब वॉश हो चुके हैं, और अभी मैं गई थी छत में कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ पर इतना अच्छा व्यू लग रहा था, आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ जैसी भी पड़ी रहती है रुई टाइप की, बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, बहुत आज मौसम बहुत अच्छा, मतलब खिला खिला सा मौसम था, और साथ में ऊपर बादल इतने खूबसूरत थे कि मेरे से दिखाए बिना रहे ही नहीं गए। हमारे यहाँ देखो कितनी रौनक लगी हुई है, अभी आवाज़ सुनना, हल्दी हाथ हो रहा है, हल्दी हाथ तो हो गया होगा, अभी डांस हो रहा है उनका, और खूब वो बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं खूब, कुछ गा भी रहे हैं वो लोग जो ढोल वाले आ रखे हैं, बहुत अच्छा। और यहाँ मेरे दोनों बच्चों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है इसके चक्कर में, खाओ खाओ खाओ, दादी का वेट भी नहीं हो रहा है, खाओ। तो मैंने कहा चलो खाओ फिर, दादी का वेट होगा तो शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी, शाम हो गई, तीन बजने वाले हैं, वैसे मम्मी आई नहीं है, हम लोग शाम को जाएंगे, बाल बना के आओ शाम को जाएंगे। तो मैं चकोतरा काट रही हूँ, ये लोग इतनी जिद करते हैं ना कि पौने सात बज गए हैं, और अभी अभी आपने देखा मैंने प्रेस कराया अभी अपने सूट में, और क्योंकि हमें आज जाना है डिनर पे, मैंने आपको बताया था हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी है, तो उनका आज नहीं आज उनका हल्दी हाथ हो गया है, शादी उनकी कहीं और है लेकिन आज मतलब उनका डिनर घर पर ही है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, दो दिन से हम लोगों का डिनर बाहर ही हो रहा है, तो कभी कभी अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा खुश जो होती है ना हाउस वाइफ्स होती हैं, क्योंकि उनको खाना बनाने की छुट्टी हो जाती है घर में, तो सबसे ज़्यादा हैप्पी जो है वो घर में सबसे ज़्यादा औरत ही रहती है कि चलो आज खाना बनाने की छुट्टी है, तो इसलिए मुझे भी खुशी हो रही है कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोग वहीं डिनर करने जाएंगे। तो मैंने सूट प्रेस कर दिया, आश्चर्य कपड़े निकाल दिए, देखो जाना तो पड़ोस में है लेकिन थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ चलो कपड़े तो अच्छे से पहन के जाएँ कम से कम। कल तो मैंने गर्म सूट पहन के चले गई थी क्योंकि जो साथ में भाभी जी थी, मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था कि आप क्या पहन रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं गर्म सूट पहन रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं भी गर्म सूट पहनती हूँ। वहाँ पर वो था सुंदरकांड था तो वहाँ गए थे, यहाँ पर मतलब पार्टी टाइप की समझ सकते हो,
तो मैं ज़्यादा चमकीला धमकीला भी नहीं पहनना चाह रही थी और ज़्यादा सिंपल भी नहीं, तो मुझे अपना ब्लैक वाला कुर्ती जो अच्छी लग रही है मैं सोच रही हूँ इसको ही पहन लेती हूँ। मम्मी तो मुझे बोल रही तो चेंज करके दूसरा, मतलब दूसरा पहन और इससे थोड़ा सा हैवी। मैंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा हैवी नहीं पहनूंगी, मुझे ये काफ़ी हैवी लग रहा है। और मेरे बाल, सबसे ज़्यादा मुझे अपने बालों का वो हो रहा है, मेरे बाल इतने चिपकू चिपकू हो गए। आज मैंने हेयर वॉश नहीं करा, सुबह मुझे मेरे बाल इतने अच्छे अच्छे लग रहे थे, खिले खिले हुए, और अभी पता नहीं क्यों ये ऐसे हो गए हैं, बाल अजीब से चिपक से गए हैं। तो अब तो सड़नी हो सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ क्या करूँगी बालों का, देखती हूँ ऐसी जूड़ा ही बना दूँगी, चाय कुछ भी बना दूँगी, मुझे खाना खाने से मतलब है वहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में हम रेडी होंगे, 7:15 बज गए हैं क्योंकि, और मम्मी से भी आपको मिलाऊंगी जब मम्मी थोड़ा सा रेडी हो जाएंगी। मम्मी भी आई थी 3:30 बजे तक आ गई थी मम्मी दिन में इसलिए, और सिया यहीं पर है, और आज तो कुछ काम ही नहीं है तैयार होने के अलावा, तो हम लोग तैयार होंगे। और मेरे पास तैयार होने के नाम पे लाइनर भी नहीं है, लाइनर एक्चुअली मेरी सिस्टर ले गई थी बड़ी वाली, उसने कहा था कल दूंगी, तो अगर कल बोलती है तो वो 10-15 दिन कहीं नहीं गए, तो लाइनर उसके पास रह गए। मेरे पास एक दूसरा लाइनर है मैक का है, वो मुझे पसंद नहीं आता इसलिए मैं उसको लगाती नहीं हूँ, देखती हूँ आज लगा दूंगी, मेरा मन कर रहा है लाइनर लगाने का है, तो लाइनर लगाऊंगी मैं। ठीक है, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूंगी जब मैं रेडी हो जाऊंगी और मम्मी भी रेडी हो जाएंगी। और ये वाला सूट तो आपने मुझे देखा हुआ भी है शायद, मैंने एक बार ब्लॉग में पहना है ये वाला ब्लैक वाला, और इसके साथ दुपट्टा नहीं है, शायद दुपट्टा था ही नहीं इसमें। क्या ये लाइनर, मुझे पता नहीं था ना बेटा कि वो ऐसा निकलेगा, सिया बोल रही अच्छा नहीं लगता था लाइनर, लिया क्यों आपने, तो वो मैंने ले लिया चलो कंपनी का है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो स्टिक जैसा मुझसे लगाने में थोड़ा सा वो होता है, मुझे ब्रश वाला ठीक लगता है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए और 8:30 बज गए हैं, मम्मी बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है मम्मी। अच्छी लग रही है मम्मी अच्छी कर रहे बुढ़ापे में नहीं अच्छी लग रही, आप लोग मम्मी को ऐसे सजे सजे बहुत कम देख पाते हो ना, तो इसलिए प्यार से मत करो। हाँ तो मिलो मम्मी अब भी। हेलो नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों को, मेरा शुभ आशीष बहुत प्यार है। तो बच्चों आज दावत में जा रहे हैं, पड़ोस में शादी है तो उन्हीं के यहाँ जा रहे थे दावत में, है ना। हाँ बस तो आप भी चलिए हमारे साथ दावत खाने। हाँ कोरोना में दो हम मतलब इतने महीनों में 2 फंक्शन अटेंड कर लिए हम लोगों ने, ये दूसरा है, तो खाकर आते हैं खाना, हम लोग डिनर वहीं पे करते हैं, आप लोगों से फिर थोड़ी देर में मिलेंगे। ठीक है चलिए, ये भी रेडी हो गई है और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं पार्टी में, और ये है ब्राइड, मतलब होने वाली ब्राइड, और इतनी खूबसूरत लग रही थी ना शिवानी, बहुत सुंदर लग रही थी सच्ची में, मतलब मुझे लग रही रहा था पहाड़ी, मुझे वैसा रहता पंजाबी लड़की देख रही हूँ कोई मैं, बहुत मतलब इसकी हाइट वगैरह बहुत अच्छी है ना, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ये अचानक से मतलब दिख भी गई, मैं इसको ढूंढ भी रही थी हम लोग, मैंने चलो बधाई दे देती हूँ शिवानी को, तो ये वहीं पर दिख गई थी, खाना वगैरह ही खा रही थी ये, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी है कि मतलब कभी कभी होता है ना कि क्योंकि देखो ब्राइड होने वाली ब्राइड है थोड़ा बिजी रहती है, लेकिन वो एकदम से मतलब आ गई, चलो भाभी फोटो खिंचवा लो कोई नहीं ये वो सो, तो हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, और आशी ने देखो क्या करा, एक पड़ोस में एक भाभी और है हिंदू भाभी, उनको काट दिया है, कि बच्चे ऐसे करते हैं ना, देखते ही नहीं है मतलब कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसको ब्राइड से मतलब था कि दुल्हन दिखनी चाहिए, बाकी मेरी मम्मी दिखे चाहे पड़ोसी दिखे ना दिखे, तो भाभी को तो इसने फोटो फ्रेम से कट ही कर दिया आशी ने, तो क्या करूँ फिर मैं भी। और यहाँ पर हम लोग अभी खा रहे हैं खाना वगैरह, तो खाना तो खा लिया था यहाँ पर हम लोगों ने, वो जो स्वीट होती है ना वो हम गुलाब जामुन जो थे वो खा रहे थे, और आशी को इतना शौक लगा था, मैं सच्ची में मैं बिल्कुल सोच के नहीं गई थी कि यहाँ पे वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आशी मम्मी प्लीज़ वीडियो बनाना, और वो लकली दिख भी गई शिवानी, तो मैंने कहा चलो उसका वीडियो भी बना ही देते हैं, दिख गए तो बहुत अच्छा लगा, और अच्छी बात हुई चलो दिख गई, आप लोगों को भी दिखाई दिया मैंने हमारी कॉलोनी में किस लड़की की शादी है। और ये जितना भी बात की क्लिप्स आप देख रहे हो ये सब आशी ने बना रखी है, तो उस मतलब चलो मैं अपनी बेटी को खुद भी थैंक यू, मैंने उसको वैसे भी थैंक यू बोला क्योंकि मुझे थोड़ा सा शर्म सी आती है बाहर, मुझे लगता है लोग देख रहे हैं, जबकि अब क्या कर रहे हैं ना व्लॉग्स बनाते हैं तो अच्छा लगता है दिखाना, तो सामने आप देखोगे वो डांस कर रही है शिवानी, सबको होता है अपनी शादी में सब बहुत अच्छे से डांस करते हैं, तो वो भी डांस कर रही हैं, ये ग्रीन साड़ी में जो मास्क में आपको दिख रही है आंटी, ये शिवानी की मम्मी है, मतलब इनकी बेटी की शादी है। तो यहाँ पर जितना भी बात का वीडियो सब आशी ने बना रखा है, अपने आप से मुझे पता भी था कि वो वीडियो बना रही है, मैंने बाद में देखा तो मैंने कहा चलो इतना अच्छा उसने बनाया है तो मैं क्यों ना अपने व्लॉग में दिखाऊं। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं मिलूंगी आप सबसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।